नमस्कार दोस्तों, जी के अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। पर्यावरण अध्ययन जो चैप्टर का नाम है, इसमें जैव विविधता भाग पाँच, जो सीटेट, यूपीटेट या यूपीपीसीएस या यूपीपी या एसएससी या कोई भी एग्जाम हो, अक्सर जो क्वेश्चन तीन चार क्वेश्चन जो है पर्यावरण से आ जाता है। तो ये जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये खासकर सीटेट और यूपीटेट के लिए जो है क्वेश्चन इसमें आने की संभावनाएं हैं या इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर्यावरण से संबंधित। तो इसमें आप लोगों को पहले ही मैं बता चुका हूँ कि चैप्टर वाइज इसमें जो है मैं पर्यावरण का जो है आपको अध्ययन कराएंगे, और इसमें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का आपको रिवाइज कराने के मेन उद्देश्य से इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आप लोग पर्यावरण का रिविज़न कर लीजिए। 30 क्वेश्चन आता है जो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जैव विविधता से इसमें क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर वन है, इसमें जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। किसे परिभाषित किया जाता है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी को जो है जैव विविधता कहा जाता है, यानी ए सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं, जैव विविधता का अर्थ है, इसका क्या अर्थ होता है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। क्वेश्चन नंबर तीन देखिए, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है जैव विविधता का? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। क्वेश्चन नंबर चार, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा जैव विविधता के ह्रास के लिए या पतन के लिए? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी प्राकृतिक वास का विनाश। क्वेश्चन नंबर पाँच, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? सबसे पहले जो है बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी वाल्टर जी रोसेन। क्वेश्चन नंबर छः, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011-20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया? 2011-20 के लिए कौन सा दशक संयुक्त राष्ट्र संघ ने निर्दिष्ट किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैव विविधता दिवस, यानी जो चैप्टर का नाम है जैव विविधता। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011-20 तक, यानी 10 वर्षों के लिए एक दशक निर्दिष्ट किया है, वह है जैव विविधता दशक। क्वेश्चन नंबर सात देखिए, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। क्वेश्चन नंबर आठ, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पर? इसका भी आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के दे दिया है आंसर इसमें। क्वेश्चन नंबर नौ देखिए, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन वायु में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है? तो हो जाएगा इसका आंसर बी, यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों में। क्वेश्चन नंबर 12, जैव विविधता में परिवर्तन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 13, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, शांत घाटी में।
क्वेश्चन नंबर 14, शांत घाटी अवस्थित है, यानी शांत घाटी कहाँ पर अवस्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, केरल में। क्वेश्चन नंबर 15, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? साइलेंट वैली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, केरल में। साइलेंट वैली यहाँ पर दिया है और इसका हिंदी दिया था इसमें शांत घाटी, यहाँ पर इंग्लिश में दे दिया है, इसको केयर करना है आप लोगों को। शांत घाटी और साइलेंट वैली दोनों एक ही है। क्वेश्चन नंबर 16, फूलों की घाटी अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 17, हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? इसमें जो सबसे उपयुक्त है वह है आंसर बी, यानी यह विभिन्न आवास या विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल यानी हॉट स्पॉट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो संतृप्त क्षेत्र है जो, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 20, जैव विविधता के संदर्भ में भारत के निम्न में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? तो वह माना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किसे भारत में जैविक विविध हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पश्चिमी घाट को। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के जैव विविधता प्रखर स्थल हॉट स्पॉट है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी हिमालय। क्वेश्चन नंबर 24, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हॉट स्पॉट माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पूर्वी हिमालय को। क्वेश्चन नंबर 25, पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी हिमालय। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है, तो धनी स्थान है पश्चिमी घाट, यानी आंसर इसका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 29, जैव विविधता के नाश का कारण है, इसके नाश का क्या कारण है? देखिए, जीवों के प्राकृतिक आवास में की कमी ये भी कारण है, पर्यावरणीय प्रदूषण ये भी कारण है, वनों का नाश ये भी कारण है, यानी उपयुक्त सभी, यानी डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, जैव विविधता के हास्य का मुख्य कारण है, हास्य का मुख्य कारण है प्राकृतिक आवासीय विनाश। क्वेश्चन नंबर 31, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी, आवासीय विनाश। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन से किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? तो देखिए, कौन से हो सकते हैं, इसमें सही उत्तर का कूट से करना है, इसमें भूमंडलीय तापन सही है,
प्राकृतिक वास का विखंडन ये भी सही है, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण ये भी सही है, शाकाहार को प्रोत्साहन ये सही नहीं है, यानी 1, 2, 3 तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? तो बड़ा खतरा कौन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। झूम खेती का मतलब जंगल काटकर खेत बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, जैव विविधता को अधिकतम संकट है, जैव विविधता को अधिकतम संकट है किससे है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है? उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बंजर भूमि का वनीकरण। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी पोषण स्तरों की कम संख्या। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैव मंडल रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी वनस्पतिक उद्यान। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है, किससे किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी इन सीटू संरक्षण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से क्रायो बैंक यानी एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस समानता प्रयोग होती है? यह गैस है नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 41, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परांगत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीव मंडल निश्चय या रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 42, जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आनुवंशिक विभिन्नता के। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? सबसे अधिक प्रभावी कारक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वैश्विक उष्मन। क्वेश्चन नंबर 45 और अंतिम क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से किन में प्रवाल भित्तियां हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप में प्रवाल भित्ती है, इसके बाद कच्छ की खाड़ी में भी है, मन्नार की खाड़ी में भी है, सुंदरबन में नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी 1, 2, 3 सही है इसमें, जहाँ प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। ये थे क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।